स्टूडेंट वी हैव स्टडीड अबाउट द 11th बायोलॉजी सब्जेक्ट द टॉपिक नंबर इज ए 4 दैट इज ए किंगडम प्लांटी. ओके डियर स्टूडेंट वी हैव नाउ स्टडीड अबाउट द फाइलम इचिनोडर्मेटा विच इज अ 9th फाइलम हियर. ओके स्टूडेंट इचिनोडर्मेटा इचिनस मीन्स अ स्पाइन डर्मा मीन्स अ स्किन. Those organism is included in case of a echinodermata, the body is covered with a spine. जो जीव इस फाइलम में इंक्लूड है उनके बॉडी पे क्या है कांटे है. स्पाइन मीन्स कांटे उनके बॉडी पे है. दीज ऑर्गेनिज्म मोस्टली लाइव इन ए मराइन वाटर. दीज ऑर्गेनिज्म ये जीव कहाँ पे रहते हैं खारे पानी में रहते हैं. सॉलिटरी सेडेंटरी. ओके सॉलिटरी मीन्स अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं. कई जीव कैसे है फिक्स्ड एट अ वन प्लेस दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ए सेडेंटरी. कई जीव ऐसे है इस फाइलम में वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते एक ही जगह फिक्स्ड रहते हैं. दिस नेचर को क्या कहते हैं सेडेंटरी नेचर. सम ऑर्गेनिज्म हैव बीन फ्री लिविंग. कई जीव इसमें ऐसे है वो क्या करते हैं फ्रीली लिव करते हैं एक जगह नहीं बैठते वो फ्रीली लिव करते हैं. दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल. द ऑर्गेनिज्म हियर जो भी इंक्लूडेड है उनके बॉडी के अनेक समान भाग कट करने पर होते हैं उसे क्या कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल. ओके विथ पेंटामेरस सिमेट्री कितने समान भाग होते हैं 5 समान भाग होते हैं. द ऑर्गेनिज्म विच इज इंक्लूडेड इन केस ऑफ ए फाइलम इचिनोडर्मेटा दीज हैव अ रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल. ओके कैसे है वो रेडियली सिमेट्रिकल. सिमेट्री कैसी है पेंटामेरस सिमेट्री है. ओके इन फाइलम में जो भी जीव है उनका बॉडी का शेप अलग अलग है. ओके बॉडी में भी स्पेरिकल इलोंगेटेड और अ स्टार शेप्ड. द ऑर्गेनिज्म विच इज इंक्लूडेड इन इचिनोडर्मेटा द शेप ऑफ द बॉडी इज अ स्पेरिकल. कई जीवों की बॉडी कैसी है गोलाकार है कई की इलोंगेटेड है लंबे है तो कोई जीव का शेप कैसा है स्टार शेप्ड यहाँ पे है. ओके बच्चों एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ ए कैलकेरियस ऑसिकल्स. यहाँ पे उनका जो एंडोस्केलेटन है किससे बना है कैलकेरियस ऑसिकल से बना हुआ है. ओके इस फाइलम का कैरेक्टर क्या है स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है स्पाइंस आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी. ओके इन सभी जीव जो इंक्लूडेड है इचिनोडर्मेटा में उन सभी जीवों के शरीर पे उनके बॉडी पे क्या है कांटे है स्पाइंस है. स्पाइंस आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सो दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ए इचिनोडर्मेटा. उनके बॉडी पे कांटे हैं इसीलिए इनको क्या नाम दिया है इचिनोडर्मेटा ऐसा नाम दिया है. ओके बच्चों अगेन अदर कैरेक्टर क्या है फाइलम इचिनोडर्मेटा के जीवों का. यहाँ पे अदर कैरेक्टर है बॉडी इज विदाउट डेफिनेट बॉडी डिवीजन. इनके बॉडी डिवीजन नहीं है. ओके उनके बजाय इंस्टेड देर आर टू साइड्स एज ओरल एंड ए एबोरल. इनके बॉडी को क्या है दो यहाँ पे साइड्स है एक फ्रंटर साइड है और एक पीछे वाला ऐसे दो साइड्स यहाँ पे है. देखो यहाँ पे पेंटामेरस यहाँ पे क्या दिख रहा है 5 आर्म यहाँ पे दिख रहे हैं. ये फ्रंट का जो पोर्शन है यहाँ पे क्या है ओरल सरफेस है और इसके पीछे वाला भाग उसे क्या कहते हैं एबोरल सरफेस. टू साइड्स है सामने का साइड को क्या कहते हैं ओरल साइड और पीछे के साइड को क्या कहते हैं एबोरल साइड. ओके द पिक्यूलर कैरेक्टर इज प्रेजेंस ऑफ ए वाटर वैस्कुलर सिस्टम. इनमें जो जीव है उनका एक कैरेक्टर है क्या कैरेक्टर है इनके बॉडी में क्या है वाटर वैस्कुलर सिस्टम है और इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम में पानी क्या होता है बहता है. इन विच वाटर एंटर थ्रू मॉडरे पोरेट. यहाँ पे ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है उसमें क्या एंट्री करता है वाटर एंट्री करता है. दिस सिस्टम इज यूज्ड इन लोकोमोशन. वाटर वैस्कुलर सिस्टम का यूज ए जीव
ए ऑर्गेनिज्म किसके लिए करते हैं? फॉर अ लोकोमोशन. लोकोमोशन मीन्स द होल बॉडी गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, अदर फंक्शन क्या करते हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम से फूड कैप्चर भी उसी से करते हैं, और रेस्पिरेशन भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही करते हैं. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम इन जीवों में कैसा है? कंप्लीट है. डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कंप्लीट. कंप्लीट मींस डाइजेस्टिव सिस्टम को दो ओपनिंग है. एक ओपनिंग को क्या कहते हैं हम? माउथ. अदर ओपनिंग को क्या कहते हैं? एनस. ओके, माउथ इज वेंट्रली प्रेजेंट. इनका माउथ कहाँ है? वेंट्रल सरफेस को. इनका माउथ है कहाँ पे? ऑन अ ओरल सरफेस. ये साइड जो है फ्रंट का साइड, इसको क्या कहते हैं? ओरल सरफेस. और ओरल सरफेस के ऊपर यहाँ पे क्या सिचुएटेड है? माउथ सिचुएटेड है. और उसके पीछे क्या है? अबोरल सरफेस. वहाँ पे क्या सिचुएटेड है? एनस वहाँ पे सिचुएटेड है. ओके, रेस्पिरेशन परफॉर्म्ड बाय पेरिस्टोमियल गिल्स. यहाँ पे रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ ए गैसेस किससे करते हैं? यहाँ पे गिल से. क्यों बच्चों? क्योंकि ए जीव कहाँ पे रहते हैं? वाटर में रहते हैं. सो दैट द रेस्पिरेशन में बी टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ए गिल्स. ओके, पेपिली एंड अ रेस्पिरेटरी ट्री एक्सेट्रा. अगेन यहाँ पे एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अब्सेंट. इनमें जो कोई भी जीव है उनका यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे क्या है? अब्सेंट है. नर्वस सिस्टम इज सिंपल. इन जीवों में नर्वस सिस्टम कैसा है? यहाँ पे सिंपल नर्वस सिस्टम है विथ ए नर्व रिंग अराउंड माउथ. माउथ के अराउंड यहाँ पे क्या है? एक नर्व रिंग है. और उस नर्व से क्या अराइज होते हैं? रेडियल नर्व वहाँ पे अराइज होते हैं इन द आर्म्स. रेडियल नर्व कहाँ पे अराइज होते? आर्म में. यहाँ पे आर्म में क्या अराइज होते? रेडियल नर्व. यहाँ पे माउथ है. माउथ के पास यहाँ पे क्या होता है? माउथ के पास यहाँ पे रिंग, नर्व रिंग होती है. और नर्व रिंग कहाँ जाती है? आर्म में जाती है. कहाँ? रेडियली नर्व कहाँ पे जाते हैं? यहाँ पे रेडियल नर्व वहाँ पे है, वो कहाँ जाते हैं? उनके आर्म में जाते हैं. सेक्सेस यहाँ सेपरेट है. कैसे है? सेक्सेस मेल और फीमेल दोनों भी यहाँ पे अलग अलग है. फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है. ओके, अगेन इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या है? हाई पावर ऑफ अ रीजनरेशन. इन जीवों में रीजनरेशन पावर बहुत है. अगर एक यहाँ पे कोई भी एक आर्म अगर टूट गया तो वहाँ पे अगेन वो आर्म क्या होता है? बन जाता है. दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन पावर ऐसे कहते हैं. ओके बच्चों, फाइलम इचिनोडर्मेटा समझ में आया? देखो यहाँ पे कितने भी जीव है उन जीवों के बॉडी पे यहाँ पे क्या दिख रहा है? स्पाइंस. उसके ऊपर क्या है? स्पाइंस है. ओके, दो सरफेस यहाँ पे है, दो साइड्स है, फ्रंट साइड. ओके, अदर उसके पीछे क्या है? अबोरल साइड. और सामने कौन सा साइड है? ओरल साइड है. ओरल साइड पे क्या सिचुएटेड है? माउथ. और उसके पीछे क्या सिचुएटेड है? एनस वहाँ पे सिचुएटेड है. नर्व रिंग कहाँ पे है? माउथ के अराउंड. ओके, एंड रेडियल नर्व कहाँ जाते हैं? इस आर्म में रेडियल नर्व यहाँ पे जाते हैं. ये जीव कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं, इसीलिए इनका रेस्पिरेशन कैसा होता है? यहाँ पे रेस्पिरेशन इनका गिल के द्वारे यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है. बॉडी कैसा है? यहाँ पे रेडियल सिमेट्री है. उनके बॉडी को अगर कट किया तो कितने समान भाग होते हैं? 5 समान भाग यहाँ पे उनके होते हैं. ये फाइलम किस नाम से जाना जाता है? इनमें जितने भी जीव है उन सब जीवों के बॉडी के ऊपर क्या है? स्पाइंस यहाँ पे है. इनके बॉडी में क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम है. ओके, वेस्कुलर सिस्टम किसका है? वाटर का है. उस वाटर वेस्कुलर सिस्टम से वो क्या करते हैं? लोकोमोशन.
एक जगह से दूसरी जगह वो यहाँ से जाते हैं, उसी के थ्रू वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं और उसी के थ्रू वो फूड कैप्चर भी वाटर वैस्कुलर सिस्टम के द्वारे ही यहाँ पे वो करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट यहाँ पे है। ओके बच्चों, समझ में आया? नाउ वी हैव स्टॉप हियर।